प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जिनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुवर श्यामा युगल को, पल पल करू प्रणाम। पिया जी को पल पल करू प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज गुरु पूर्णिमा है और इसके उपलक्ष्य पे हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और कई वर्ष से हम गुरु पूर्णिमा मनाते आ रहे हैं, आज भी ये उत्सव कर रहे हैं। तो हम 5 मिनट का समय है, तो 5 मिनट में हम थोड़ा ये विचार करेंगे कि हम गुरु पूर्णिमा या गुरु किसको कहते हैं, अथवा गुरु किससे कहना चाहिए। शास्त्रों में गुरु का महत्व, गुरु शब्द का अर्थ क्या है, जिसको हम गुरु कहते हैं वो कैसा होना चाहिए, अर्थात गुरु के लक्षण। सबसे पहले गुरु शब्द का अर्थ हम समझते हैं, तो उन्होंने गुरु शब्द में दो शब्द है, दो वर्ण है। उसका सीधा सा अर्थ ये है कि अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाला। दूसरा, और हमारी वाणी में, क्योंकि हमारा सबसे प्रिय ग्रंथ है तारतम वाणी, उसके आधार पर हम कैसे निर्धारित करेंगे कि हम गुरु किससे कहें। तो वहाँ पर एक चौपाई है गुजराती किरंतन में है, हवे जेणे आपण ने आ निध आपी, तेहना चरण ग्रहिये चित्त मा है। अर्थात ये जो परम धाम की वाणी है और सौभाग्य से जिस व्यक्ति के द्वारा हमको मिली है, तेना चरण ग्रह चित्त मा है, अर्थात उसी को हमको गुरु मानना चाहिए। दूसरा, जेणे दर्शने नेत्र ठरे, अने वचन कहे ठरे अंग। ये हमारे लिए खास है, जो स्वामी जी अपने विषय में जो भी कुछ कहेंगे गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, लेकिन हमारी वाणी इतना ये कहती है कि जेणे दर्शने नेत्र ठरे, अर्थात आप जिसको गुरु मानते हैं, आपने जिस गुरु से गुरु मंत्र लिया है, दीक्षा ली है, तारतम ली है, उनके दर्शन करने पर आपके आपको संतोष हो। जैसे हमको, हमने किसी व्यक्ति को कई 2-4 वर्षों के बाद देखा और उसको देखते हम ये कहने लगते हैं कि भाई आपको देख करके हम धन्य धन्य हो गए। ऐसे ही हम यहाँ कह रहे हैं, हमारी वाणी कह रही है, किरंतन में स्पष्ट कहा है, जेणे दर्शने नेत्र ठरे, अर्थात जिस व्यक्ति के, जिस गुरु के दर्शन करने पर आपकी आंखों में, आपके मन में शांति हो। अने वचन कहे ठरे अंग, अर्थात वही गुरु हमको आशीर्वाद के रूप में दो शब्द कुछ कहें, तो वचन कहे ठरे अंग, तो हमारे पूरे शरीर में, तन मन धन में शांति हो जाए, वो है गुरु वचन। फिर आगे का
तीसरा चरण ये है, अनेक विघ्न जो उपजे पण मुकिए नहीं साध संघ। ऐसे गुरु के दर्शन करने पर, ऐसे गुरु के दर्शन करने में अनेक विघ्न जो उपजे, अर्थात माया के हजारों लाखों बंधन आए और हमको अपने गुरु के पास पहुंचना है, तो भी हमारी वाणी ये कहती है तो ये न मुकिए साध संग, तो भी ऐसे गुरु के चरण कमल को नहीं छोड़ना चाहिए। वो सदगुरु, हमारी वाणी ने स्पष्ट कर दी, सतगुरु मेरे श्याम जी, राजी को कहा है, शास्त्रों में भी यही कहा है, स पूर्वेशाम अपि गुरुहु कालेन अनवच्छेदात। वो जो परमात्मा है वो संसार में जितने गुरु हैं उन गुरुओं का भी गुरु है, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी वही गुरु है, वो तो है ही है, लेकिन हमको ये ज्ञान जिसने दिया वह सदगुरु की, वो जो राज्य की शक्ति जिस हृदय में विराजमान हुई उसको हम यहाँ पर गुरु कहते हैं। और वाणी ये कहती है, ए धन वोहर से ते गोप रह से तेने कर से सहुजन हास, वस्त ले जारे था से वेगला त्यारे सहु को कैसे श्यावास। वो हमारे सदगुरु हैं, कोई भी हो सकते हैं, उसमें ये जो चौपाई मैंने बोली उसका अर्थ है कि कोई भी जब वाणी का राज्य को अपने हृदय में बिठाते हैं तब संसार के लोग उनसे हास परिहास करते हैं। वही अक्षरातीत धाम के धनी उन्हीं के धाम हृदय में विराजमान हो करके जब जागने का काम करते हैं तब सब कोई कैसे श्याबास, तब दुनिया उनकी पहचान करती है। तो ये गुरु पूर्णिमा का जो दिवस है उसमें कुछ न कुछ हम अपने गुरु के निर्देश कुछ आशीर्वाद लेते हैं और जीवन में उतारते हैं, और गुरु का और हमारा संबंध कैसा होना चाहिए और क्या होता है, जैसे एक माँ और एक बेटा, या माँ बेटी या पिता बेटा, जो भी हमारा एक लौकिक संबंध है, लौकिक संबंध कब तक है, हम जब तक जीवित हैं तब तक हैं। यदि माता पिता ने एक बेटे को पढ़ाया लिखाया नौकरी कराया शादी कर दी उसको पैसे कमाने के योग्य बना दिया, तो वो जब तक जिएंगे तब तक पैसे कमाएंगे, जब तक जिएंगे तब तक वो करेंगे, उसके बाद नहीं। लेकिन गुरु का संबंध इतना है कि यदि गुरु, एक श्लोक है, यदि गुरु शिष्यम एकम अपि शब्दम प्रबोधयेत पृथिव्याम तद द्रव्यम नास्ति यद्यत्वा अनृणी भवेत। इसका अर्थ ये है कि यदि गुरु अपने शिष्य को, अपने शिष्य के जीवन में एक शब्द भी कोई ज्ञान का, कोई परमात्मा का नाम का उपदेश कोई कर दे और वह शिष्य वह मंत्र लेकर उस शब्द को लेकर के मुक्ति पा जाए, तो ये कह रहे हैं कि उस मुक्ति के बदले पृथिव्याम तद द्रव्यम नास्ति, पृथ्वी पर ऐसा कोई द्रव्य, ऐसा पदार्थ, हीरा मोती जवेरात नहीं है जो गुरु के ऋण को चुका दें। माता पिता एक जन्म सफल कर सकते हैं, हो सकता है माता पिता 10 पीढ़ी सफल कर सकते हैं, लेकिन यदि गुरु के ज्ञान को लेकर के यदि व्यक्ति मुक्ति भी पाता है तो भी वो मुक्ति 36,000 बार सृष्टि बनने और 36,000 बार सृष्टि महाप्रलय में रहने तक के लिए वो व्यक्ति मुक्ति पाता है, वो है शास्त्र वाले मुक्ति। लेकिन हम जो हमारा वाणी का ज्ञान है वो अखंड मुक्ति है, अर्थात अनंत अनंत काल तक हम इस भवसागर से छूट जाएंगे। तो ये है गुरु की महिमा, अर्थात माता पिता के संबंधों से भी बढ़कर है गुरु का संबंध। अतः जो हमारे जीवन में जिसको हमने गुरु माना है, लौकिक रूप में माना है चाहे पारलौकिक रूप में माना है, तो जो वो हमको निर्देश करते हैं, जिस राह पे चलाते हैं, हम उनकी राह पर चलें और अपना आत्मा कल्याण करें। तो इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।